अमित मेहता का उल्टा चश्मा के इन किरदारों का है रियल लाइफ में रिश्ता, कोई है भाई बहन तो कोई है बाप बेटा। दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी का सबसे चहेता फैमिली शो रहा है। इस शो में कई किरदार नजर आए जो लोगों के चहेते बन गए। सालों तक एक साथ काम करने वाले शो के एक्टर परिवार की तरह बन गए हैं। वहीं कई किरदार ऐसे हैं जो रियल लाइफ में एक खास रिश्ता रखते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा लोगों का फेवरेट टीवी शो है। इस शो को आज भी लोगों का भरपूर प्यार मिलता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक परिवार के हर वर्ग के लोग इसे देखना पसंद करते हैं। यही वजह है कि शो का हर किरदार काफी पॉपुलर हो गया है और शो के अलावा भी उनकी फैन फॉलोइंग स्थापित हो चुकी है। 16 साल से लगातार लोगों का मनोरंजन कर रहे इस शो में दर्शकों ने एक खास रिश्ता स्थापित कर लिया है। ये रिश्ता सिर्फ दर्शकों के बीच ही नहीं बल्कि कलाकारों के बीच भी है। सभी एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताते हैं, ऐसे में परिवार के सदस्य की तरह हो गए हैं। वैसे रियल लाइफ में भी इस शो के कई किरदार एक असल रिश्ता साझा करते हैं। कोई रियल लाइफ में भाई बहन है तो कोई पिता पुत्र है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। नंबर एक, दिशा वकानी और मयूर वकानी। दया भाभी और सुंदर लाल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सगे भाई बहन बने नजर आते हैं। इस किरदार को निभाने वाले दिशा वकानी और मयूर वकानी असल लाइफ में भी सगे भाई बहन है। दोनों की जोड़ी सिर्फ टीवी पर ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी वैसे ही है। दिशा वकानी और मयूर वकानी के बीच का तालमेल सोशल मीडिया पर भले ही ना दिखता हो लेकिन इनके बीच काफी मजबूत रिश्ता है। इसके बाद है तन्मय विकारिया और अरविंद विकारिया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कुछ एपिसोड में एक सुनार नजर आया था जिसने आत्माराम भिड़े का गिरवी सोना हड़प लिया था। इस किरदार को अरविंद विकारिया ने निभाया था जो रियल लाइफ में तन्मय विकारिया के पिता लगते हैं। शो में तन्मय विकारिया बाघा के किरदार में नजर आते हैं। सुनार्थी किरदार के अलावा भी अरविंद विकारिया ने कई और छोटे और साइड किरदार इस शो में निभाए हैं। इसके बाद है दिशा वकानी और भीम वकानी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक एपिसोड में दया भावे के घर कुछ मेहमान आए थे। ये मेहमान कोई और नहीं बल्कि बापूजी के दोस्त मावरी चेडा थे जिसे जेठालाल और दया भाभी काका जी कहकर संबोधित कर रहे थे। इस किरदार को किसी और ने नहीं बल्कि दया भाभी के किरदार निभाने वाली दिशा वकानी के पापा और थिएटर एक्टर भीम वकानी ने निभाया था। भीम का किरदार भले ही छोटा था लेकिन चंद एपिसोड्स में भी लोगों को ये काफी पसंद आए थे। फिलहाल दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स पर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और तमाम बॉलीवुड गॉसिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।